हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद दीपक बाबरिया ने जब चंडीगढ़ में नेताओं और वर्करों की मीटिंग ली थी तो उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें बंद गई थी। ये लगा था कि दीपक बाबरिया सभी खेमों से ऊपर उठकर, सभी राग और द्वेग से ऊपर उठकर कांग्रेस को 2024 में मजबूत बनाने का काम करेंगे। वो ना तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहेंगे और न ही विरोधी नेताओं को ज़्यादा भाव देने का काम करेंगे। लेकिन पिछले चार दिन के दौरान ये साफ तौर पर एहसास हो गया है कि दीपक बाबरिया एक बड़े हाथी के समान हैं, जिनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। आपको याद होगा, दीपक बाबरिया जी ने चंडीगढ़ में ये घोषणा की थी कि वो अगले महीने में पूरे हरियाणा का दौरा करके नेताओं से फीडबैक लेने का काम करेंगे, उसके हिसाब से लोकसभा के प्रत्याशियों का मूल्यांकन करेंगे और संगठन को लेकर नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद ही माहौल बदल गया है और दीपक बाबरिया जी का मिजाज भी पूरी तरह से पलट गया है। जो दीपक बाबरिया फील्ड में जाकर नेताओं से फीडबैक लेने की घोषणा कर चुके थे, अचानक ही उन्होंने यू टर्न मार लिया और यू टर्न मार कर वो सीधा भूपेंद्र हुड्डा की कोठी में पहुंच गए। आज भी दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा के 165 नंबर आवास पर दीपक बाबरिया ने करनाल लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात की। बात तो ये हुई थी साहब कि आप सभी नेताओं के साथ फेस टू फेस मिलकर, वन टू वन मिलकर पार्टी के हालात पर चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेने का चर्चा करेंगे और पार्टी के संगठन और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे मजबूत दावेदारों के नाम छांटने का काम करेंगे। लेकिन दीपक बाबरिया जी ने भूपेंद्र हुड्डा की कोठी में जाकर खुद को उनके हवाले कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा के चेले चपटे ये तय करते हैं कि दीपक बाबरिया के साथ कौन पहले मिलेगा, कौन बाद में मिलेगा, किसे एक घंटे इंतजार करना है, किसे 5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, किस नेता को किस गुट के अंदर शामिल करना है। यानी दीपक बाबरिया जी की पूरी मैनेजमेंट भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में आ गई है। भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से दीपक बाबरिया की वर्किंग को हैंडल कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि दीपक बाबरिया जी भी अब पूरी तरह से हुड्डा फैमिली के पैरोकार हो चुके हैं। दीपक बाबरिया जी ने आज वन टू वन मीटिंग करने के बजाय टोलियों के अंदर नेताओं से मुलाकात की। उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नेताओं की मन की बात जानने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उनको अपने भाषण की घुटी पिलाने का काम किया। अंदर की खबर यह है कि दीपक बाबरिया जी ने साफ तौर पर यह कहा कि सभी नेताओं को भूपेंद्र हुड्डा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं को गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सभी को साथ मिलकर 2024 के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन गुटबाजी से दूर रहने का मंत्र देते हुए, भाषण देते हुए दीपक बाबरिया जी इस बात को भूल गए कि वो खुद गुटबाजी का शिकार हो चुके हैं और निष्पक्ष तौर पर पार्टी के नेताओं की कांग्रेस मुख्यालय में मैट्रिक लेने के बजाय वो भूपेंद्र हुड्डा की कोठी में उनके हिसाब से पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से बैठ के लेने का काम कर रहे हैं। साफ सी बात है, हुड्डा विरोधी नेता अगर अकेले अकेले मिलते तो दीपक बाबरिया जी को पूरी फीडबैक गहराई से देते। जब आप 8-8, 10-10 नेताओं को साथ मिलाकर उनके साथ में बैठेंगे तो कोई भी नेता दूसरों के सामने मन की बात कैसे कहेगा। यानी दीपक बाबरिया जी ने भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ऐसा प्रबंध कर दिया कि हुड्डा परिवार के खिलाफ बोलने की इच्छा रखने वाले नेताओं को मजबूरी में अपना मुंह बंद रखना पड़ गया। बाबरिया जी ने पार्टी के नेताओं से कोई चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने सबको अपने भाषण की घुट्टी पिलाने का काम किया। उन्होंने ये एहसास दिलाने का काम किया कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, बाकी के किसी भी नेता का जिक्र बाबरिया जी ने नहीं किया। यानी कि बाबरिया जी ने एक तरह से अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा परिवार के हवाले करने का काम कर दिया है। जो काम कांग्रेस की मजबूती के लिए निष्पक्ष तौर पर उन्हें करना चाहिए था, वो उस काम की जिम्मेवारी को भूल गए हैं। दीपक बाबरिया जी को पूरे हरियाणा का दौरा करके पार्टी के हालात का जायजा लेना चाहिए था। उन्हें सभी लोकसभा क्षेत्रों में खुद दौरा करके हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 दिन लगाकर वहाँ के नेताओं और वर्करों की राय को जानना चाहिए था, पार्टी के हालात को भांपना चाहिए था और पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की दिल की पीड़ा को सुनना चाहिए था। लेकिन बाबरिया जी ने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई और उन्हें साफ तौर पर उन्होंने खुद को
दीपेंद्र हुड्डा की कोठी तक समेट दिया और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि वो जो करने वाले हैं वो वही करेंगे जो पहले के प्रभारी करते आए हैं। यानी दीपक बाबरिया जी अब न तो निष्पक्ष तौर पर कोई काम करेंगे, ना वो हुड्डा परिवार से बाहर रहकर काम करेंगे, ना ही वो हुड्डा विरोधी नेताओं की सुनवाई करेंगे और ना ही वो दायरे से बाहर रहकर सबको साथ लेने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया जी ने आज पूरे दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये पार्टी के सभी नेताओं को एहसास हो कि बाबरिया जी सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। दीपक बाबरिया ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आज मीटिंग लेने का काम किया, क्योंकि दीपक बाबरिया जी ने खुद ये कहा कि वो अगर दो दो मिनट भी एक नेता को देंगे तो उनका बहुत सारा टाइम लग जाएगा और इतना लंबा टाइम डिस्कशन के लिए उनके पास नहीं है। कोई बाबरिया साहब से कोई पूछने वाला हो कि बाबरिया साहब आपके पास हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा है और इस जिम्मे में टाइम आड़े नहीं आता है, अगर आप चाहें तो एक लोकसभा क्षेत्र में आप तीन तीन चार चार दिन भी दे सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की भावना रखते हैं तो आपको दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में बैठने के बजाय हर जिले में जाकर वहाँ के कांग्रेस नेताओं और वर्करों की दिल की बात को सुनना चाहिए था, वहाँ के निचले हालात को भांपना चाहिए था और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी पार्टी के लिए संगठन और 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन को आगे बढ़ाना चाहिए था। आप दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में बैठकर वही रिपोर्ट बनाएंगे जो हुड्डा परिवार चाहता है, यानी एक बार फिर से कांग्रेस बाबरिया जी की अगुवाई में वही पहुंच गई है जहां वो पिछले 18 साल से खड़ी है। यानी कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हुड्डा परिवार के खिलाफ होगा, जो हुड्डा परिवार को नुकसान पहुँचाने वाला होगा और जो हुड्डा परिवार के हाथों से चौधर छीनने वाला होगा। एक प्रभारी के तौर पर दीपक बाबरिया जी की ये जिम्मेदारी थी, ये नैतिक फर्ज था कि वो सभी खेमों के नेताओं को साथ लेकर सभी जिलों में जाकर वहाँ पर पार्टी के हालात का असली अवलोकन करते, वहाँ पर दूसरी पार्टियों को लेकर अपने नेताओं से चर्चा करते और फील्ड में जो नेता वास्तव में मजबूत हैं उसकी रिपोर्ट लेकर कांग्रेस हाईकमान को सौंपते। अगर बाबरिया जी ऐसा करने का काम करते तो उनका नाम इतिहास में लिखा जाता, क्योंकि वो पहली सही जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हाईकमान को सौंपते। तो उससे ये साबित होता कि दीपक बाबरिया जी पहले के रिकॉर्ड के अनुसार ही वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी सबसे ऊपर है, उनके लिए नेता सब बराबर है और वो सिर्फ पार्टी को 2024 में हरियाणा की सत्ता का सरताज बनाना चाहते हैं। लेकिन बाबरिया जी के चार दिन के कार्यक्रमों से ये पूरी तरह से आभास हो चुका है कि दीपक बाबरिया जी अब कांग्रेस को सत्ता दिलाने की बजाय अब हुड्डा परिवार को सत्ता दिलाने की मुहिम में जुट गए हैं। बाबरिया जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो पुराना अनुभव है, आपकी जो पुरानी वर्किंग है, आपकी जो पुराने रिकॉर्ड हैं, वो तो यही बता रहे थे कि बाबरिया जी ना तो किसी के आगे झुकते हैं, ना किसी प्रेशर को मानते हैं, बल्कि वो पार्टी के हित में ही सारे फैसले लेते हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के घर में बैठकर आपने उन पुरानी छवि को तार तार करने का काम कर दिया है। आप भूल गए हैं बाबरिया जी की कांग्रेस हाईकमान ने आपको कांग्रेस के सभी नेताओं को और सभी खेमों को साथ लेकर हरियाणा में कांग्रेस को पहले मजबूत करने और उसके बाद 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विजय बनाने की जिम्मेदारी देने का काम किया है। आप दीपेंद्र हुड्डा के घर में बैठकर उनको तो फायदा देने का काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे खेमों के नेताओं का गला घोटने का काम भी आप नासमझी में कर गए हैं। अगर आपको अपने फर्ज का ईमानदारी से दायित्व का अनुभव होता तो आप दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में हरगिज नहीं बैठते, बल्कि पार्टी के असली हालात को जानने के लिए आप पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल जाते। आप तो फील्ड के आदमी हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में कैद होकर रह जाना पड़ा और दीपेंद्र हुड्डा की मैनेजमेंट के अनुसार वर्किंग करनी पड़ी। आप अगर पार्टी के सच्चे हिमायती हैं, सच्चे सिपाही हैं, तो आपको हुड्डा परिवार के इस सिकंजे से, इस चक्रव्यूह से, इस कैद खाने से बाहर निकाल कर छाती ठोककर वर्किंग करनी चाहिए थी और पार्टी के हर नेता और हर वर्कर को ये मैसेज देना चाहिए था कि दीपक बाबरिया मेहनतकश नेताओं और वर्करों के साथ खड़े हैं, वो ना तो किसी नेता के आगे झुकेंगे, ना किसी नेता को बेवजह फायदा देंगे और ना ही किसी नेता का हक मारने का काम करेंगे। लेकिन दीपक बाबरिया जी, आपने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और करनाल लोकसभा क्षेत्रों की मीटिंग में ये जाहिर कर दिया है कि आप सिर्फ
पार्टी के नेता के तौर पर अपना फर्ज निभाने की बजाय आप हुड्डा परिवार की पैरवी कर रहे हैं, आप हुड्डा परिवार को फायदा पहुंचाने की सियासत कर रहे हैं, आप सभी की आवाज़ सुनने की बजाय आप हुड्डा परिवार की मैनेजमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी की जिम्मेदारी के हिसाब से नाइंसाफी है। अभी भी वक्त है, आपको बाकी बचे लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकलना चाहिए और सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के हालात को भापना चाहिए और हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 दिन लगाकर वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए। अगर आप इस नसीहत को मानने का काम करेंगे तो हरियाणा में पार्टी बिल्कुल पक्के तौर पर मजबूत होगी और 2024 में सत्ता की सबसे मजबूत दावेदार होगी। अगर आपने किसी एक नेता का पक्ष लिया तो वो आपके दायित्व के साथ नाइंसाफी होगी और ऐसी नाइंसाफी आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व और आपकी छवि का जो इतिहास है उसको अगर आप तोड़ने का काम करेंगे तो भविष्य में भी आप भी एक जेब भी नेता के तौर पर कहे जाएंगे, आप भी सेटिंगबाज नेता के तौर पर गिने जाएंगे और आप भी हुड्डा के प्रेशर में दबने वाले प्रभारी के तौर पर याद किए जाएंगे। अब देखने की बात है कि बाबरिया जी बाकी बचे दिनों के अंदर क्या हुड्डा परिवार के भोंपू के तौर पर काम करेंगे, क्या उनकी कोठी में बैठकर उनके दरबान के तौर पर काम करेंगे और क्या पार्टी की हितैषी नीतियों को छोड़कर वो हुड्डा परिवार के हिसाब से राजनीति करने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया की भावी पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।